हाय गाइस, तो आज की मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन पार्सल के साथ। तो ये आया मेरा फर्स्ट पार्सल और अब मैं नीचे जा रही हूँ अपने सेकंड पार्सल के लिए, क्योंकि जस्ट थोड़े देर बाद ही मुझे सेकंड पार्सल का भी कॉल आ गया। मॉर्निंग में ही मुझे दो पार्सल मिल गए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग, और मैं हूँ रिचा। तो आज आपने देखा कि मॉर्निंग में ही आ चुका था मेरे पास ये पार्सल फ्लिपकार्ट का। इसमें क्या है ये मैं आपको ओपन करके अभी दिखाऊंगी। और एक पार्सल आया हुआ है ये मीशो से, तो इसमें भी क्या है वो भी मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। तो ब्लॉग्स में देखा होगा कि पहले मैं ओपन कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट आज मैंने ओपन नहीं किया है, क्योंकि एक पार्सल जो आया था मॉर्निंग में आया था तो मुझे ओपन करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, और एक पार्सल है जो अभी आया है, तो दोनों ही पार्सल मैं एक साथ ओपन करूंगी। बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या मंगवाया है। तो वंस अगेन मैंने मंगाया है अपने हस्बैंड के लिए प्यूमा का शूज, जो कि इस कलर का है। तो गाइस, ये है शूज प्यूमा का जो कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया है। तो आप लोग प्लीज बताना कि ये कैसा लग रहा है। ये है बारी मेरे पार्सल की, तो इसके अंदर क्या है ये भी देख लेते हैं। टी-शर्ट अपने लिए, तो इसे ओपन करके देखते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो कि ये पहली टी-शर्ट है और इसका कपड़ा बहुत स्ट्रेचेबल है। ये मैं ट्राई करूंगी तब पता चलेगा कि ये लूज टी-शर्ट मंगाई है मैंने अपने लिए। और सेकंड टी-शर्ट क्वालिटी आई थिंक सेम होगी, साइज भी सेम होगी, बट इसका कलर मैंने पहले चेंज मंगाया है। तो सेकंड टी-शर्ट मेरी ये है, आप देख सकते हो कि ये भी बहुत लूज है। ये पहनने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा है क्वालिटी वाइज। तो मैं इसे ट्राई करती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आई, क्योंकि ये लूज टी शर्ट थी बट मुझे इतनी ज्यादा टाइट हो रहा है, जबकि मैंने साइज ओवर साइज मंगाया था उसके बावजूद। तो डेफिनेटली मैं ये दोनों टी शर्ट डालने वाली हूँ रिटर्न में। और रही बात इस शूज की, तो ये मेरे हस्बैंड आएंगे उसके बाद ये चेक करेंगे, बट ये दोनों तो मैं अभी के अभी रिटर्न में डालने वाली हूँ। पार्सल का वेट करते रहते हो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा आएगा, और वो कुछ इस तरीके से आता है तो बहुत ज़्यादा मूड खराब हो जाता है। जल्दी से मैं इसे सब पैक वैक करके रख देती हूँ, क्योंकि ये जाएगा रिटर्न के लिए और इसे भी मुझे पैक करके रखना पड़ेगा। और गाइस, मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहती हूँ कि आप लोग सोच रहे होगी कि मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है और फ्लिपकार्ट से ही सामान मंगाया है, तो मैं आपको क्लियर कर लूँ कि मैंने शॉपसी से जो होते हैं जिसका रिटर्न पॉलिसी नहीं रहता, मैंने वो प्रोडक्ट मंगाने से मना किया है आप लोगों को। और बाकी जो रिटर्न में रहते हैं आप वो मंगा भी सकते हो, फ्लिपकार्ट से ब्रांड के प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो, क्योंकि वो इजिली रिटर्न हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाने से आप लोगों को मना किया है, नहीं, मैंने शॉपसी से जो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होते मैंने वो प्रोडक्ट आप लोगों को मंगाने से मना किया है। तो ये भी बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किसी के माइंड में ये ना आए। गाइस, अभी हो चुकी है शाम और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए शूज़ ऑर्डर किए थे वो तो दिखने में नॉर्मल सा रेड और ग्रीन लग रहा था, बट वो आया पिंक और ग्रीन है, जो कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने देखते ही उसे रिजेक्ट कर दिया, तो तुरंत ही उन्होंने रिटर्न पे डलवा दिया। तो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमने ऑनलाइन शॉपिंग करी और दो पार्सल रिसीव हुए और दोनों को ही रिटर्न में डालना पड़ा। तो गाइस, कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको कोई पार्सल का इंतज़ार हो कि वो आएगा और आपकी पसंद का आएगा और पसंद का नहीं आता? तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेरा ब्लॉग। बाय गाइज़।